शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू शिवराजवाड़ी। और यहाँ पर मैं तुलसी माता में जल चढ़ा रही हूँ और बाकी जो जल बचा था वो दूसरे पौधों में मैंने डाल दिया है। और जैसा कि आज शिवरात्रि है तो मैं यहाँ पर साबूदाने भिगो रही हूँ, क्योंकि मुझे तो फलाहार ही खाना है, इसलिए साबूदाने भिगो दूँगी। 1 से 2 घंटे में ये फूल जाएंगे तो इनकी फटाफट से खिचड़ी भी बना लूँगी और फिर आज पूजा वगैरह भी करनी है। और यहाँ पर मैं नई थाली और नया जल पात्र जो होता है ना, लोटा जिसे बोलते हैं, वो निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं जल अभिषेक शिव भगवान का करूँगी, भोलेनाथ का, तो नए बर्तन मैंने निकाल लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवराजवाड़। और आज है शिवरात्रि, तो आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाओं को पूरा करे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो अभी जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने हाथ तो पहले ही ली थी आज और जल्दी नहा ली थी, डेली से भी नहा के तैयार भी हो गई, लेकिन व्लॉग थोड़ा सा लेट शुरू किया था क्योंकि इनको जाना था, इनकी आज छुट्टी नहीं है। यहाँ पे जो है साबूदाना मैंने भी भिगो के रखा हुआ है और तुलसी जी में पानी वगैरह सब जो मेरे रूटीन के काम है वो भी हो चुके हैं। अथक का खाना रेडी है, मुझे मेरी खिचड़ी बनानी है तो थोड़ा लेट बनाऊंगी। और आज ना मैंने बर्फ़ की शिवलिंग तैयार की है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि मैं अभिषेक करूँगी मंदिर, क्योंकि मैं नहीं जा पा रही हूँ ना आज, क्योंकि ये है नहीं तो मंदिर तो जा नहीं पाऊंगी, तो मैंने सोचा चलो घर में ही पूजा कर लेंगे, क्योंकि वैसे शिवलिंग घर में नहीं रखते हैं हम लोगों के यहाँ पे, तो मैंने कहा चलो बर्फ की शिवलिंग बनाते हैं, उन्हीं का अभिषेक करेंगे, तो आप सबके साथ शेयर करूंगी, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मेरी जो साबूदाने की खिचड़ी है वो बनकर रेडी हो चुकी है। और यही खिचड़ी एक बार मैं भोग लगा दूंगी, क्योंकि आज कुछ मैं मीठा नहीं बना पा रही हूँ। कारण ये कि हमारे यहाँ पे शाम के टाइम में पूरा दूध आ जाता है 24 घंटे के लिए, और कल मैं गलती से दूध निकालना भूल गई, बिल्कुल ही माइंड से निकल गया। कभी कभी होता है ना, माइंड से चीज़ें निकल जाती हैं, तो मैं यही भोग लगा दूंगी भगवान को। और यहाँ पर ना मैंने पूजा के लिए तैयारी कर ली है सारी, और पुष्प वगैरह भी मैंने जो मेरे पास थे, जैसे गेंदे का फूल है और ये पिंक वाले सदाबहार के फूल है, तो वो मैंने निकाल लिए हैं। और शिव जी को ना चंपा और केतकी के अलावा आप कोई सा भी फूल चढ़ा सकते हैं। वैसे आँख का जो फूल होता है ना वो ज़्यादा प्रिय होता है उनको, बेलपत्र वगैरह। और यहाँ पर ये देखिए, शिवलिंग बनाने के लिए मैंने बर्फ़ जो जमाई थी ना, क्योंकि बर्फ़ की शिवलिंग बनाऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना घर पे शिवलिंग नहीं रखते हैं, तो शिवलिंग मेरे पास नहीं थी। और आज मैं मंदिर नहीं जा सकी, कारण कि इनको छुट्टी नहीं थी और ये मॉर्निंग में ही निकल गए, तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि श्रद्धा भाव से बर्फ़ की शिवलिंग यहाँ पर बना ली, और बर्फ़ की शिवलिंग को ही मैं जल अर्पित कर दूंगी, यानी कि जल अभिषेक कर दूंगी, क्योंकि साल भर का त्यौहार है, तो मैंने कहा चलो भगवान को जल तो अर्पित करना ही चाहिए। तो यहाँ पर बस पूजा कर ली है, कर लूँगी मतलब, और पूजा के लिए कुमकुम रोली अक्षत सब ले लिया है, और चंदन हो आपके पास तो बहुत बेस्ट है, और मेरे पास अभी चंदन अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर मैंने जल अभिषेक कर दिया है भगवान का, और अब मैं फूल अर्पित कर दूँगी भगवान को। और जल अभिषेक के बाद ही पूजा की जाती है, तो जल अभिषेक करने के बाद अब मैं पूजा कर लूँगी, तो रोली अक्षत से कुमकुम से मैं पूजा कर लूँगी, और बस सिंपल तरीका ही है पूजा करने का, और वैसे भी मैं श्रद्धा भाव से पूजा कर। और यहाँ पर अथक भी जल अर्पित कर रहा है भगवान को, क्योंकि बच्चों को भी ये सब चीज़ें हमें सिखानी चाहिए, त्योहारों का जो महत्व है वो हमें बताना चाहिए, इसी तरीके से बच्चे सीखते हैं। और पूजा करने के बाद जो शिवलिंग है मैंने तुलसी माता जी में रख दी है, और जो जल वगैरह है वो सब तुलसी जी में चढ़ा दिया है, क्योंकि ऐसा ही करते हैं मेरे ख्याल से, मैंने ऐसे ही देखा है, तो तुलसी जी में मैंने जल वगैरह चढ़ा दिया है और अगरबत्ती भी लगा दी है, तो ये जो जल जब ये शिवलिंग पिघलेगी ना, तो ये जल तुलसी जी में ही अर्पित हो जाएगा। और अभी जो है इवनिंग टाइम हो चुका है, दोपहर को मैंने फिर कोई व्लॉगिंग नहीं की थी, थक गई थी आज, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग उठ के सारा काम करना, फिर त्योहार हो जाता है जैसे व्रत उपवास कोई भी, तो एक्स्ट्रा काम भी हो जाते हैं, वो सारे करने के बाद ना फिर हिम्मत नहीं रही व्लॉगिंग करने की, तो अभी फिर मैंने कहा चलो व्लॉग जब स्टार्ट हो रखा है तो आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ। और आज मैंने भगवान को कुछ मीठा नहीं चढ़ाया, बट जैसा कि
मैंने कहा भगवान श्रद्धा के भूखे होते हैं, भगवान को किसी प्रकार का कोई भी पाखंड वगैरह नहीं अच्छा लगता है, और भगवान जो है हमारा मन साफ होना चाहिए, बस उतना ही देखते हैं। जैसे कई कई लोग बहुत ज़्यादा ओवर चीज़ें करते हैं, मन उनका साफ नहीं हो पाता है, और भगवान का इतना ज़्यादा पाठ पूजा अर्चना अनुष्ठान वगैरह करते हैं, तो इन सब चीज़ों का मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं होता है। मात्र आप अपना मन साफ रखें और श्रद्धा रखें भगवान के प्रति, तो भगवान आपकी हर मनोकामना को भी पूर्ण करते हैं और हमेशा आपका साथ भी देते हैं। जैसा कि आपने देखा आज जैसे मैं मंदिर नहीं जा पाई, तो भगवान तो हर जगह पे होते हैं, हर किसी के अंदर होते हैं मेरे ख्याल से, आप में, मुझ में, आप कहें दीवार में, पौधों में, हर जगह कण कण में भगवान है। तो फिर मैंने सोचा जब मंदिर नहीं जा पा रही हूँ तो चलिए फिर मैं शिवलिंग घर पे ही बना लेती हूँ और घर पे ही भगवान का जल अभिषेक कर देंगे, जलाभिषेक। तो इस वजह से मैंने आज बर्फ की शिवलिंग बनाई और जलाभिषेक किया, क्योंकि साल भर का त्यौहार है, तो मैंने कहा चलो जल तो कम से कम भगवान को अर्पित कर ही सकते हैं, और शाम को जो है मैं सोची कुछ मीठा बना के भगवान का स्मरण करके और उन्हें भोग लगा दूंगी। आप मात्र स्मरण करें भगवान का, आपको कोई जरूरी नहीं है कि सामने आपके कोई प्रतिमा हो या कुछ हो, आप मन से भगवान को याद करके भी कुछ भोग लगाते हैं ना तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो बस भगवान को तो श्रद्धा चाहिए होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए होता है। और कपड़े जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैंने चेंज कर लिए हैं, क्योंकि साड़ी में ना काम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और जैसा कि अब थोड़ी गर्मियाँ भी आ चुकी हैं, थोड़ी क्या आ ही चुकी हैं गर्मियाँ, तो गर्मियों में तो बिल्कुल भी साड़ी को कैरी करना पॉसिबल नहीं है। पहले तो एक टाइम ऐसा भी था शादी के 3 से 4 साल तक मैंने कंटिन्यू फुल टाइम मैं साड़ी पहना करती थी, और अथक के साथ बड़ी प्रॉब्लम भी होती थी, बट रूल्स ही ऐसे थे घर के साड़ी आपको पहननी है तो साड़ी ही पहननी पड़ेगी, तो काफ़ी टफ रूल्स भी रहे हैं और उन्हें फॉलो भी किया है। चलो उसके बाद हस्बैंड जी ने जान दिला दी साड़ी से, और अब मैं हर टाइप की ड्रेस पहन लेती हूँ, क्योंकि ये बोलते हैं सब कुछ पहना करो, जो तुम्हारा मन है वो पहना करो। तो बस तो चलिए ये तो खैर पुरानी बात थी, चलिए अब देखते हैं शाम के सारे रूटीन के काम भी करने हैं, वो सब देखती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैं किचन में आ गई हूँ और अथक को लग रही है भूख, उसे खानी है मैगी, तो उसके लिए बना देती हूँ मैगी। और साथ ही मैंने जो है, मैं कह रही थी ना कि आलू उबाल लूँगी, तो इन लोगों की सब्जी बन जाएगी और एक मेरे लिए भी सब्जी बन जाएगी, तो टाइम भी सेव हो जाएगा। जैसे इनके लिए आलू उबले वाले ऑयल में सब्जी बन जाएगी, मसाले डाल के मेरे लिए घी वाली सब्जी बन जाएगी व्रत के हिसाब की। तो आलू मैंने उबाल लिए हैं यहाँ पर और ये आटा भी मैंने लगा के रख दिया है, और आज मोबाइल को मैंने ओवन के ऊपर सेट कर लिया, ट्राईपॉड में लेके आई हूँ अभी फिलहाल, तो आज इसका ये एक उपयोग और ओवन का हो गया है। वैसे इतना यूज़ नहीं आता है ये सब चीज़ें, बस वही है कि सबके पास होता है तो लगता है कि होना चाहिए। तो फटाफट से मैगी बना लेती हूँ और सब्जी वगैरह भी बना लेती हूँ। तो मैगी बन रही है, जब तक मैं यहाँ पर आलू को ना छील करके रख लूँगी, और मेरी यही आदत है कि जैसे एक काम कर रही हूँ किचन में, मतलब सब्जी वगैरह बन रही है, तो साथ में मैं एक दूसरा काम भी कर लेती हूँ, इससे क्या होता है टाइम भी सेव हो जाता है, और किचन में खाली खड़े खड़े करें भी क्या, तो इस बीच दूसरा काम कर लेते हैं तो टाइम सेविंग भी हमारी हो जाती है और हाथ के हाथ दूसरा काम भी हो जाता है। तो बस आलू भी मैंने छील कर रख ली है, फटाफट सब्जी बना दूँगी इनकी, और यहाँ पर देखिए मैगी भी रेडी हो चुकी है, और थोड़ी सी अथक के पापा को भी दे दूंगी, क्योंकि खाना खाने में अभी टाइम है और ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, वैसे 6:30 का ही टाइम हुआ है अभी लगभग, तो अथक मैगी खा लेगा, फिर खाना तो वैसे भी 8:30 के आसपास सब लोग खाते हैं, और उसके बाद बस हम लोग थोड़ा सा बाहर चले गए थे दूध वगैरह लेने के लिए, और अथक को भी कुछ पेस्ट्री और डोनट वगैरह ख़रीदना था, तो इन्होंने कहा चलो तुम भी साथ में चलो, तो मैं भी इनके साथ चली गई थी क्योंकि दिन भर से घर पर ही थी, तो मैंने कहा चलो चल के आते हैं, माइंड भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा, तो आउटिंग में चले गए थे। तो यहाँ पर ये लोग बेकरी में जा रहे हैं, और ये बेकरी हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, हमारे एरिया में ही है, और अथक को लेना था चॉकलेट डोनट, और इन्होंने सब बाकी सबके लिए जो है पेस्ट्रीज ली थी, मैं तो कल खाऊंगी क्योंकि आज तो मेरा फास्ट है। तो फ्रेंड्स आज के व्लॉग में इतना,
ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। मिलेंगे फिर किसी अच्छे से व्लॉग या वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू।